नियंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है। जर्मनी में नियंडर की घाटी में इस आदिमानव की कुछ हड्डियां मिली हैं, इसीलिए नियंडरथल मानव का नाम दिया गया है। इसका कद अन्य मानव जातियों की अपेक्षा छोटा था। यह पश्चिमी यूरोप, पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका में रहता था। अब से लगभग 160,000 वर्ष पूर्व रहता था। इसका श्रेणी विभाजन मनुष्य की ही एक उपजाति के रूप में किया जाता है। इसका कद 4.5 से 5.5 फीट तक था। 2007 में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इनके बालों का रंग लाल तथा त्वचा पीली होती थी। क्या खाते थे नियंडरथल मानव? इस बारे में वैज्ञानिक समुदाय का एक मत नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नियंडरथल मानव मांस खाते थे। क्रोएशिया के क्रापीना गुफा की साइट पर उनके मांस खाने के कुछ सबूत मिले। इसके अलावा वो शाकाहारी भी थे। नियंडरथल मानवों की विलुप्ति का क्या कारण था? नियंडरथल मानव क्यों विलुप्त हो गए, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। इसके पीछे वैज्ञानिक कई कारणों को बता रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक बता रहे हैं ज्वालामुखी की वजह से ये विलुप्त हो गए, अपनी बड़ी आंखों की वजह से, भोजन की कमी से। कुछ वैज्ञानिक नियंडरथल के अंत को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा मानते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का एक प्रवाह जो लगभग 42,000 साल पहले हुआ था और 1,000 वर्षों तक चला था, इसमें नियंडरथल मानव जाति का विलुप्त हो गया। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।